जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दाब दो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। जींद रोडवेज बस डिपो में रोडवेज के 11 कर्मचारियों का 200-200 रुपए का चालान काट दिया गया। यह चालान ट्रैफिक मैनेजर सुनील भाटिया ने काटा है। सुबह जल्दी ही आकर ट्रैफिक मैनेजर ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद कई कर्मचारी सरकारी ड्रेस में नहीं मिले, जिसके बाद इन कर्मचारियों का 200-200 रुपए का चालान काटकर पर्ची थमा दी। रविवार की सुबह सुबह ट्रैफिक मैनेजर ने जींद रोडवेज बस डिपो का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो रही थी, जिसके चलते 11 कर्मचारियों ने सरकारी वर्दी भी नहीं डाली थी, जिसके चलते सभी को 200-200 रुपए का चालान काट दिया और फटकार लगाई। इस दौरान कर्मचारियों ने अड्डा परिसर में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात कही तो ट्रैफिक मैनेजर ने तुरंत ही रिपोर्ट बनाकर इसकी पूरी व्यवस्था करने की बात कही। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।